हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में Realme 9 Pro Plus और Xiaomi 11 i 5G का कंपैरिजन दिखाने वाला हूं एंड साथ में इन दोनों मोबाइल का एंटूटू स्कोर एंड डाउनलोडिंग टेस्ट भी दिखाने वाला हूं। और दोस्तों ये दोनों मोबाइल 6GB 128GB वेरिएंट वाले मोबाइल हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों फर्स्ट हम दोनों मोबाइल का एंटूटू टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल का एंटूटू स्कोर ज़्यादा है और कौन से मोबाइल का एंटूटू स्कोर कम है। दोस्तों दोनों मोबाइल का एंटूटू टेस्ट हो चुका है जिसमें Realme 9 Pro Plus का एंटूटू स्कोर 4,42,000 है और Xiaomi 11i का एंटूटू स्कोर 4,31,000 है। मतलब कि दोस्तों दोनों मोबाइल का एंटूटू स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट हम इन दोनों मोबाइल में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से मोबाइल का फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक फास्ट है। दोस्तों वैसे दोनों मोबाइल के फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड अच्छे हैं और फिंगरप्रिंट दोनों मोबाइल के सेम है, लेकिन Realme में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और Xiaomi 11i में साइड में है और फेस अनलॉक Realme का थोड़ा ज़्यादा फास्ट है Xiaomi के मुकाबले। अब नेक्स्ट दोस्तों हम इन दोनों मोबाइल में डाउनलोडिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल फास्ट है। और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इन दोनों मोबाइल को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है। अब चलो डाउनलोडिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट राउंड में सबसे पहले Xiaomi 11i में ऐप डाउनलोड हुई है, फिर Realme 9 Pro Plus में ऐप डाउनलोड हुई है। अब सेकेंड राउंड में देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों सेकेंड राउंड में भी इस बार सबसे पहले Xiaomi 11i में ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Realme 9 Pro Plus में ऐप डाउनलोड हुई है। अब देखते हैं कि लास्ट राउंड में क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों लास्ट राउंड में भी इस बार Xiaomi 11i में ही ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद Realme 9 Pro Plus में ऐप डाउनलोड हुई है। तो सिंपल बात है दोस्तों, डाउनलोड स्पीड Xiaomi 11i की अच्छी है। अब नेक्स्ट हम इन दोनों मोबाइल में ऐप्स ओपन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल ऐप्स ओपन करने में फास्ट है। Thank you.
तो दोस्तों टोटल 15 ऐप्स हैं, जिसमें से ज़्यादातर ऐप सबसे पहले Realme 9 Pro Plus में ओपन हुई है और कुछ ही ऐप Xiaomi 11i में ओपन हुई है और सिर्फ दो ऐप में टाई हुई है, मतलब कि दोनों मोबाइल में सेम टाइम पर ऐप्स ओपन हुई है। मतलब कि दोस्तों ऐप्स ओपन एंड लोड करने में Realme 9 Pro Plus अच्छा है। और अब लास्ट टेस्ट में हम इन दोनों मोबाइल का रैम मैनेजमेंट टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मोबाइल बैकग्राउंड में ऐप्स रन करने में अच्छा है। तो दोस्तों Xiaomi 11i में 5 में से 3 ऐप बैकग्राउंड में चल रहे थे एंड Realme 9 Pro Plus में 5 में से 2 ऐप बैकग्राउंड में चल रहे थे। तो दोस्तों ऐप्स को बैकग्राउंड में रन करने में दोनों मोबाइल अच्छे हैं। तो दोस्तों ये था Realme 9 Pro Plus और Xiaomi 11i का कंपैरिजन वीडियो। वैसे दोस्तों दोनों मोबाइल काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड वैसे दोनों मोबाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इन दोनों मोबाइल के प्रोसेसर डिस्प्ले सेम है एंड सिर्फ बैटरी एंड कैमरा का ही डिफरेंस है, क्योंकि Realme में 16 वोल्ट के साथ 4500 mAh की बैटरी मिलती है और Xiaomi 11i में 67 वोल्ट के साथ 5160 mAh की बैटरी मिलती है। तो बैटरी एंड चार्जिंग Xiaomi 11i की अच्छी है एंड कैमरा Realme 9 Pro Plus का अच्छा है। तो अगर आपको Realme के मोबाइल पसंद है एंड अच्छे कैमरा वाला मोबाइल चाहिए तो आप Realme 9 Pro Plus को खरीद सकते हो, और अगर आपको Redmi के मोबाइल पसंद है एंड अच्छी बैटरी वाला मोबाइल चाहिए तो आप Xiaomi 11i को खरीद सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।